पीएफए ने कंप्लेन फाइल की है जी। पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फ़ोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलती है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि TRP बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक दफ़ा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। मैम, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी संरक्षण दे रही है एलविश यादव को। ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। मैम, कितने दिनों से ट्रैप कर रहे थे आप लोग? सर्च कर रहे हैं, फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है, क्या मांगे गिरफ्तारी उनकी? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोस शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए? नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी, SHO सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियोस शूट हुए हैं, और भेजा मैंने ही भेजा। मैम, कितने दिनों से आप लोग? कई दिनों से। मैम, ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट गया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम, जब ये FIR हुई, क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज के न्यूज़पेपर्स में भी है, तो बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, तो क्या MPs ने आप लोगों को कोई कॉन्टेक्ट करने की, पुलिस को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है? हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम, जो काम आप, जरूर कोशिश तो करेंगे। मैम, जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेप पार्टियां हो रही थी, जो वहां की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की? देखिए, ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद जीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं यहाँ से लेकर के रेप तक, वो NGOs को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं। तो NGOs काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मैम, कुड यू टॉक अबाउट द लीगल रेपरकशंस दिस मे हैव फॉर एल्विश यादव? ही शुड गो टू जेल बेटा, दिस इज अ ग्रेड 1 क्राइम, 7 years इन जेल, इट्स अ वाइल्ड लाइफ क्राइम। सी, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कोबराज व्हेन दे लूज देयर वेनम दे डाई। Zee News.